हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव स्टूडियो में आपका फिर से वेलकम है। ठीक है, जो अपना केमिस्ट्री में पॉइंट चल रहा था वो क्या था? हाँ जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सम्मिलित रिएक्शन चल रही थी। उनमें से कुछ रिएक्शन आपकी जो शेष है वो आज के लेक्चर में पूरे करने वाले हैं। ठीक है, जो आज की लेक्चर में हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो बेटा देख लीजिएगा कौन सी है। यदि आप ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन करवा दें, ठीक है, तो एल्डिहाइड या कीटोन या फॉर्मलाडिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और यदि नेक्स्ट बात करें, यदि आप जेम डाइहैलाइड द्वारा भी किस प्रकार से आज एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं वो रिएक्शन पढ़ेंगे। तो जो अपनी शेष दो रिएक्शन बच रही हैं, ठीक है, आज उनको देख लेते हैं। एक तो कौन सी रिएक्शन है, यदि आप ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन कर दें तो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो अगली रिएक्शन है वो कौन सी है, यदि जेम डाइहैलाइडों का आप जलीय अपघटन कर दें तो भी किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड और कीटोनों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। जो अपना लेक्चर था वो देख लीजिएगा बेटा क्या था। हाँ जी, हम एल्डिहाइड और कीटोनो दोनों को सम्मिलित रूप से बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो अपनी रिएक्शन चल रही थी वो देख लीजिएगा बेटा कौन सी रिएक्शन चल रही थी। हाँ जी, लास्ट रिएक्शन अपनी कौन सी, हाँ जी, ग्लाइकोल के ऑक्सीडेशन द्वारा, तो क्या लिखेंगे, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल। हाँ जी, ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण द्वारा हम, हाँ जी, एल्डिहाइड और कीटोनो का फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लाइकोल की। जैसे लिखा हमने एथिलीन ग्लाइकोल लिखा बेटा, क्या लिखा, एथिलीन ग्लाइकोल, ये हो गया अपना क्या, एथिलीन ग्लाइकोल हो गया है। ठीक है, अब एथिलीन ग्लाइकोल का क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन करना है, तो किसकी प्रेजेंस में आपको ऑक्सीडेशन करना है ये देख लीजिएगा, लेड टेट्रा एसीटेट, क्या कहा हमने, लेड टेट्रा एसीटेट, ये अपना कौन है, लेड है और ये टेट्रा एसीटेट है। तो लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में यदि आप एथिलीन ग्लाइकोल का क्या करवाएं बेटा, ऑक्सीडेशन करवाए हैं। ठीक है, तो आपको मैं सीधी ट्रिक बताऊंगा किस प्रकार से आपको फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिमाग खपत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो कैसे रिएक्शन करनी है बेटा, बिल्कुल आसान रिएक्शन है। सबसे पहले आप बाहर क्या कर दीजिएगा बेटा, H2 बाहर कर सकते हैं, ओके। हाँ जी, इसके बाद में देखिएगा बेटा, सीधी रिएक्शन बताऊंगा बेटा, कहीं नहीं मिलेगी ये रिएक्शन आपको यू। हाँ जी, देखो ये क्या बन गया आपका, CH2O फॉर्मुलेट बन गया। हाँ जी, CH2 एक ऑक्सीजन और जोड़ दीजिए क्योंकि ये रिलीज कर रहा है, तो दो मोल CH2O, हाँ जी, दो मोल फॉर्मुलेट का बन रहा है और बाहर क्या हो रहा है बेटा आपका, H2 कर सकते हैं। अब देख लीजिएगा बेटा कितनी आसान रिएक्शन थी। इसी प्रकार यदि हम इसका प्रतिस्थापी ले लें, एथिलीन ग्लाइकोल जो है आपका कौन, एथिलीन ग्लाइकोल है बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल है, हम इसका क्या कर लें, प्रतिस्थापी ले लें, एक अर्धांश उठाकर कोई भी एल्किल समूह जोड़ दे बेटा। जैसे मैं यहाँ पे CH3 जोड़ दूँ बेटा, क्या लिखा, CH3CH, ओके, फिर क्या लिखेंगे आप, CH2OH, क्या लिखेंगे आप, OH, इसका एफिशिएंट नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, सेम क्या करना है बेटा, लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंसी में, हाँ जी, क्या करवाना आपको, ऑक्सीडेशन करवाना है। सेम रिएक्शन है, देख लीजिएगा कैसे, सबसे पहले बेटा आपको बाहर क्या करना है, H2O करना है, ओके। अब यहाँ से बोन ब्रेक करें तो देखो बेटा क्या बन गया आपका, CH3CHO, एक मोल तो किसका बना आपका, एसीटिलडेड का, और एक मोल किसका बनेगा, फॉर्मिलडेड का बनेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, CH3CHO प्लस बाहर क्या हो गया आपका, CH2O, और क्या लिखेंगे आप, H2O। हाँ जी, तो एक मोल तो एसीटिलडेड और एक मोल फॉर्मिलडेड का प्राप्त होता है, कर सकते हैं। अब देख लीजिएगा कितनी प्यारी रिएक्शन है। ठीक है, तो जब भी आप, हाँ जी, ग्लाइकोल का, हाँ जी, इसकी प्रेजेंस में, या यदि आपके पास में मौजूद नहीं है बेटा तो आप पर आयोडिक एसिड भी ले सकते हैं, HIO4 भी ले सकते हैं, पर आयोडिक एसिड भी ले सकते हैं यदि आपके पास में लेड टेट्रा एसीटेट नहीं है तो। ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंस में यदि ऑक्सीडेशन करवाएं बेटा, ठीक है, तो आज ग्लाइकोल के ऑक्सीडेशन से आज कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कर सकते हैं इतना। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी, कुछ रिएक्शन बेटा जो आपको करनी है, तो देखिएगा नेक्स्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है, सेम इसी प्रकार से ये रिएक्शन आपको करनी है। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, हमने क्या लिखा,
CH3CH, हाँ जी, फिर क्या लिखेंगे बेटा आप CH2, और यहाँ पे क्या लिखा CH3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा आप OH, क्या लिखा आपने OH, ओके। अब देखिएगा इसका आप क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो क्या लेंगे, लेड टेट्रा एसिड ले सकते हैं, तो CH3CW का होल फॉर क्या लिखा PB, यदि ये नहीं है तो बेटा क्या ले सकते हैं आप HIO4 ले सकते हैं, क्या करवा रहे हैं आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो रिएक्शन को पूर्ण कीजिएगा बेटा कि किसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं बेटा, अभी भी हाइड्रोजन है तो और भी प्रतिस्थापी ले सकते हैं आप, जैसे CH3 और क्या लिखा बेटा आपने CH3, अर्थात हमने मेथिल लिया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे OH, हाँ जी बेटा CH, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप CH3, और इधर क्या लगाया आपने OH, ओके, हाँ जी सेम यही कंडीशन आपको लेनी है बेटा, सेम, हाँ जी। अगली रिएक्शन देखें हम, क्या लिखा हमने CH3, क्या लिखा हमने OH, क्या लिखे CH3, क्या लिखे OH लिखेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन करवा रहे बेटा, ठीक है, तो देख लीजिएगा किस प्रकार से ये रिएक्शन आपको करनी है। तो अब तक आपने इनका फॉर्मेशन कर लिया होगा कि किस प्रकार से एल्डिहाइड कीटोन या फॉर्मलाडे का फॉर्मेशन होता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका आपको बताया, शायद आप कभी दोबारा नहीं बोलेंगे। देखो कैसे बेटा, हाँ जी सीधा बता रहे हैं आपको, ओनली फूड डायरेक्ट बता रहे हैं, सीधा H2 वहाँ निकल गया, ओके, यहाँ से बोल थोड़े बेटा, तो देख लीजिएगा क्या बनेगा CH3CHO, तो कितने मोल एल्डिहाइड के बने, 2 मोल, तो क्या लिखेंगे आप CH3CHO, रिमूव क्या हो जाएगा आपका H2, देखो कितना आसान है रिएक्शन, ठीक है। इसी प्रकार सेम इसमें भी यही करना है बेटा, हाँ जी, पानी को बाहर करेंगे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, तो देखो बेटा इससे तो एसी टोन बन रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूटा तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड, पता चल रहा है ना बेटा कैसे कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कौन था आपका बॉन्ड था, ये यहाँ पे क्या बनाए नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बनाए डबल बॉन्ड, तो ये तो क्या बन गया एसी टोन, बाहर क्या हो गया H2O, ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये क्या बन गया CH3CHO, तो 1 मोल एसी टोन का, क्या लिखा आपने 1 मोल एसी टोन का और 1 मोल एसीटिल्डिहाइड का बना है CH3CH, और रिमूव क्या हो गया बेटा आपका पानी, कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें किस प्रकार से आप रिएक्शन करेंगे, सेम तरीका है बेटा, H2O बाहर हो गया होगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, हाँ जी, ये कौन बनेगा आपका एसीटोन, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा 2 मोल एसीटोन के, तो क्या लिखेंगे आप CH3C OH, और क्या लिखूँ मैं CH3 2 मोल एसीटोन के, और बाहर क्या हो गया आपका H2। इस प्रकार से आप ग्लाइकोल का यदि लेड टेट्रा एसीटेट या पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंसी में ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, फॉर्मेट बन सकता है, 2 मोल बन सकते हैं, 1 मोल बन सकता है, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए, हाँ जी, एथिलीन ग्लाइकोल की वह रिएक्शन दीजिए, एथिलीन ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण की वह अभिक्रिया दीजिए जिसमें 2 मोल फॉर्मेलाडेड के प्राप्त होते हैं, तो जो हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन की थी उसमें 2 मोल बने थे, ठीक है। फिर ये से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, हाँ जी, एथिलीन ग्लाइकोल अर्थात ग्लाइकोल के ऑक्सीडेशन की वह अभिक्रिया दीजिए, ग्लाइकोल के ऑक्सीडेशन की वह अभिक्रिया दीजिए जिसमें 2 मोल एसीटोन के प्राप्त होते हैं, यदि नाम लिखना चाहें बेटा तो नाम लिख दीजिएगा इसका, क्या 1 2 3 क्या लिखूं 4, हाँ जी, तो 2 पे मेथिल है बेटा तो 2, हाँ जी 3 पे मेथिल है 3, डाई मेथिल, ओके। अब देखिए कार्बन संख्या कितनी बेटा 4 है, 4 को क्या लिखते हैं ब्यूट, तो आपने क्या लिखा ब्यूट, हाँ जी ओ एस समूह कितने पे है 2 पे और 3 पे, तो क्या लिखेंगे 2 3 डाई ऑल, ये इसका क्या हो जाएगा नेम हो जाएगा, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब वो अगले पे डिपेंड करता है, कंपटीशन में भी आता है, यदि 2 मोल एल्डिहाइड के बना रहे हैं या 1 मोल बना रहा है, या फॉर्मुलेट एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करवा रहा है, या कीटोन फॉर्मुलेट का फॉर्मेशन करवा रहा है, या फिर 2 मोली कीटोन का करवा रहा है, ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको करनी होगी, कर सकते हैं। अब देखिएगा आप नेक्स्ट, हाँ जी, जिम डाइहैलाइड के जल अपघटन द्वारा आप किस प्रकार से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अगली लास्ट अपनी लास्ट रिएक्शन है, हाँ जी, उस रिएक्शन में भी हम एल्डिहाइड और कीटोनों का एक साथ क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे इसी रिएक्शन में हमने किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, खुद सोच लीजिएगा, और वो रिएक्शन हमने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ी है बेटा, यदि आप
यदि आप क्या करें एल्डिहाइड, ये यदि आप जेम डाई हैलाइड का जल अपघटन करवाएं, ठीक है, तो हाँ जी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और ये हमने फर्स्ट लेसन में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाई हाइड्रोलाइसिस, बाई हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, जेम डाई हैलाइड के जल अपघटन द्वारा हाँ जी हम कार्बोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जेम डाई क्लोराइड, हैलाइड में बेटा हमने क्या लिया है, क्लोराइड लिया है, कर सकते हैं। वो नाम क्या हो सकता है बेटा, सामान्य नाम हाँ जी एल्किलिडीन नाम से जानते थे, एल्किलिडीन, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा, एथिलिडीन क्लोराइड, क्या नाम हो गया, एथिलिडीन क्लोराइड। यहाँ पे डाई लगाने की आवश्यकता नहीं है सामान्य नाम में। अब देखिएगा हाँ जी इसकी रिएक्शन, हाँ जी के ओ एच ले रहे हैं और ये के ओ एच बेटा कैसा है, एक्वस है, जलीय है, हाँ जी तो जलीय के ओ एच के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, दो पोटेशियम दो सी एल के साथ में दो एच यहाँ पे अटैक करने वाले हैं ना, तो क्या लिखेंगे बेटा सी एच थ्री, और क्या लिखूँ मैं सी एच, तो क्या लिखेंगे आप ओ एच, और क्या लिखूँ मैं ओ एच, ओके हाँ जी। और बाहर क्या हो गया बेटा आपका टू के सी एल, पता चल गया ना कैसे क्या होगा, मैंने ऐसे के ओ एच क्या लिखूँ के ओ एच, तो बेटा बाहर क्या हो गया के सी एल, इसमें क्या हो जाएगा के सी एल, तो ओ एच आएगा, ओ एच आएगा, इसी प्रकार से रिएक्शन हुई है हाँ जी। अब देखिएगा नेक्स्ट, आप सबको पता है यदि एक ही कार्बन पर ओ एच समूह की संख्या दो हो, यदि एक ही कार्बन पर ओ एच समूह की संख्या दो हो तो वो जो कंपाउंड होगा वह कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो तुरंत हाँ जी हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा आपका पानी, पानी बाहर निकला तो किसका फॉर्मेशन हुआ है बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है देख लीजिएगा किसका, सी एच थ्री सी एच ओ, ए सी टी एल डी का फॉर्मेशन, सी एच थ्री सी एच ओ का फॉर्मेशन हुआ है, कर सकते हैं। तो हम हाँ जी जेम डाई हैलाइड के जलीय अपघटन करवाएं, जल अपघटन करवाएं अर्थात जलीय के अवयव के साथ में रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे इसी में एक रिएक्शन और करके देखें हाँ जी, जैसे हम प्रोपिलीडीन ले लें, अब की बार हमने एथिलीडीन लिया था, अब यदि हम क्या ले लें प्रोपिलीडीन ले लें, जैसे हमने क्या लिखा सी एच थ्री, क्या लिखूँ सी एल बेटा, और क्या लिखा सी एल, और यहाँ पर क्या लिखा सी एच थ्री, नाम क्या हो जाएगा हाँ जी आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड, आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड नाम हो जाएगा हाँ जी। और आईपीएच नाम तो आप जानते हैं टू टू क्लोरो डाई क्लोरो, ये टू टू डाई क्लोरो प्रोपेन, ओके। तो इसके साथ रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, जलीय, क्या ले रहे हैं बेटा जलीय के ओ एच, के ओ एच के साथ में क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, ओके। तो जब जलीय के ओ एच के साथ में रिएक्शन करवाएंगे बेटा, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होगा ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा जो अगली अपनी रिएक्शन थी, ठीक है, तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा बेटा के सी एल, और इधर से भी क्या हो जाएगा आपका के सी एल बाहर हो जाएगा, कर सकते हैं। तो ये ओ एच यहाँ पे जुड़ेगा, ये ओ एच यहाँ पे जुड़ने वाला है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा आप देख लीजिएगा हाँ जी, क्या लिखूँ मैं सी एच थ्री, और बेटा यहाँ पे क्या जाएगा आपका ओ एच, और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा आपका ओ एच, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका सी एच थ्री, ओके। अब देखिएगा हाँ जी क्या करना है बेटा, थोड़ा सा ताप देना है ना, तो बाहर देखो क्या होने वाला है एच टू, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, एसीटोन का फॉर्मेशन हो चुका है, कर सकते हैं। और रिमूव क्या हो गया आपका जल, ये हो गया अपने कौन, जेम डाई हैलाइड द्वारा आप किस प्रकार से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, कर सकते हैं। तो जो हमारी रिएक्शन थी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की संयुक्त रिएक्शन थी, उनमें दो रिएक्शन आपकी शेष थी, वो दोनों रिएक्शन आपके कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्या हाँ जी, ओनली फॉर हमें अब एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है। इतने देर से हाँ जी दो तीन लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की संयुक्त रिएक्शन पढ़ी है कि एक ही रिएक्शन में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम हाँ जी ओनली फॉर किसका फॉर्मेशन करने वाले हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने वाले हैं, तो ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जिनके द्वारा हम ओनली फॉर हाँ जी कि एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो अपनी रिएक्शन आती है बेटा कौन सी आती है, बाई एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड द्वारा भी आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं,
एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसको हम किस नाम से जानेंगे यहाँ पे, रोजेन मुंड रिडक्शन रिएक्शन, रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन आता है क्या, निम्न में से रोजेंड, हाँ जी, निम्न में से रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रमक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है निम्न में से लिंडलार कैटालिस्ट है। ठीक है, दोनों में काफ़ी अंतर है, कई लोग इनको एक ही मान लेते हैं, लेकिन एक नहीं बेटा, अलग अलग है। ठीक है, तो देखिएगा जो अपना अगला पॉइंट था वो, हाँ जी, ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट बनता है बेटा, वो देख लीजिएगा नंबर, हाँ जी, दो, क्या, ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन, एल्डिहाइड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिनके द्वारा हम सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो रिएक्शन देखिएगा बेटा, नंबर एक क्या लिखेंगे, बाई एसिड क्लोराइड, बाई एसिटिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, या एसिड क्लोराइड द्वारा, जिसको किस नाम से जानते हैं बेटा, ये देख लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट बात, रोजेन मुंड, हाँ जी, रोजेन मुंड रिडक्शन रिएक्शन, रोजेन मुंड रिडक्शन, हाँ, इस नाम से इसको जानते हैं, लिख सकते हैं इसका नाम क्या, रोजेन मुंड, हाँ जी, रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, इस नाम से इसको जानते हैं। और खास बात देख लीजिए बेटा इसमें, हाँ जी, जो रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रमक होता है, कैटालिस्ट होता है, वो कौन होता है यहाँ पे, PDBaSO4 होता है बेटा। क्या होता है, PDBaSO4 होता है, पहले देख लीजिएगा मुख्य कंटेनर्स में क्या क्या है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे, रोजेन मुंड रिडक्शन रिएक्शन नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है, हाँ जी, कौन सा कैटालिस्ट लेंगे यहाँ पे, रोजेन मुंड रिजेंट लेने वाले, कैटालिस्ट लेने वाले, PDBaSO4, इसका इसमें रोल अलग है, इसका रोल अलग है। ओके, इतना कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या बेटा, देखिएगा, जो एसिड क्लोराइड है बेटा, कौन एसिड क्लोराइड है, वो किस में ट्रांसफर होगा, एल्डिहाइड में, हाँ जी, अपचयित होगा, किस में, एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो हम क्या लेते हैं, PDBaSO4, ठीक है, वो किसकी उपस्थिति में वो लेते हैं, हाँ जी, आपने नाम सुना होगा क्या, जाइलिन, हाँ जी, बॉइलिंग जाइलिन, बॉइल है बेटा, उबलती हुई जाइलिन पर, हाँ जी, एसिड क्लोराइड को क्या करते हैं बेटा, प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, कर सकते हैं, हाँ जी। अब नेक्स्ट, इससे इंपॉर्टेंट बात और देख लीजिएगा बेटा, हाँ जी, क्या पीडी है, कौन पीडी है, प्रबल अपचायक बेटा, कौन है, प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्ट्रांग, हाँ जी, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, एजेंट है, कर सकते हैं। और ये बेटा यहाँ पे कौन, BaSO4 है, कौन BaSO4 है, वो इनहिबिटर्स का काम करेगा यहाँ पे, इनहिबिटर्स का कार्य करता है, अर्थात, हाँ जी, रोकेगा रिएक्शन को, ये विष रिएक्शन है, किस में काम आएगा, अर्थात इसकी जो अपचयक क्षमता है उसको क्या करेगा, आपको कम करेगा, कर सकते हैं। तो ये उत्प्रेरक विष का काम करेगा, कर सकते हैं। इतनी जो मुख्य बातें थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इस रिएक्शन को हम करके देखते हैं कि वास्तव में किस प्रकार से रिएक्शन बनती है। और यदि आप यहाँ पे ओनली फॉर पीडी लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, यदि आप पीडी लेते ओनली फॉर क्या लेते पीडी, तो यहाँ पे जो आपका एसिड क्लोराइड है, कौन बेटा, एसिड क्लोराइड है वो किस में चेंज हो जाता, आपका एल्कोहल में चेंज हो जाता, और हमें एल्कोहल नहीं चाहिए था बेटा, हमें क्या चाहिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन चाहिएगा। यदि आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हाँ जी, प्रबल अपचायक कौन पीडी ले रहे हैं, और क्या नहीं ले रहे, BaSO4 की क्या कर लें, एबसेंट कर लें। ठीक है, तो हाँ जी, एसिड क्लोराइड किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो पीडी की उपस्थिति में यदि ये नहीं ले, और पीडी की उपस्थिति में आप एसिड क्लोराइड का क्या करवा, रिडक्शन करवा रहे हैं, तो बेटा जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्कोहल में चेंज होता है, एल्कोहल में अपचयित होता है। तो पीडी के साथ में हमेशा क्या लिया जाता है, BaSO4 लिया जाता है, ये उत्प्रेरक विष का काम करता है, इनहिबिटर्स होता है, क्या होता है, इनहिबिटर्स, अर्थात उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को डिक्रीज करता है। तो ध्यान रखना, क्या जो पीडी है,
इस पीडी की क्रियाशीलता को कम करता है कौन बेटा, हाँ जी बी ए एस ओ फोर, कौन कम करता है बी ए एस ओ फोर। तो पूछा जाता है क्या कि रोजेन मुंड अपचयन विक्रिया में पीडी के साथ में बी ए एस ओ फोर मिलाया जाता है क्यों, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि पीडी हाँ जी एक हाँ जी क्या होता है प्रबल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो एसिड क्लोराइड को एल्कोहल में चेंज कर देता है, अपचित कर देता है, ठीक है। और हमें तो क्या चाहिए था, एल्डिहाइड और कीटोन चाहिए था, ठीक है। इस कारण से इसकी अपचायक क्षमता को कम करने के लिए, इसकी अपचायक क्षमता को कम करने के लिए पीडी के साथ में क्या मिलाया जाता है, बी एस ओ फोर, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, इनहिबिटर्स का काम करता है, उत्प्रेरक इसका काम करता है, इसको रोकेगा बेटा नहीं, तू किसमें चेंज रहने दे, हाँ जी एसिड क्लोराइड को ओनली फोर किसमें चेंज करना है, एल्डिहाइड में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, एल्डिहाइड में चेंज करना है, एल्कोहल में चेंज नहीं करना है, इस कारण से इसको लिया जाता है। तो ये हो गया अपनी मुख्य मुख्य बातें, हाँ जी कौन सी रिएक्शन थी, हम ओनली फॉर एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन आती है बेटा वही आपकी क्या थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। दोबारा देख लीजिए क्या काम ने, जो रोजेन मुंड रिडक्शन रिएक्शन है इसको बोलने वाले हैं, हाँ जी इसमें जो आप कैटलिस्ट ले रहे हैं बेटा वो क्या आपका, हाँ जी पी डी बी एस ओ, और ये क्या कहलाएगा आपका, रोजेन मुंड उत्प्रेरक कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, रोजेन मुंड मुंड हाँ जी उत्प्रेरक, क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक कहलाएगा, ठीक है ये याद रखेंगे। लेकिन यदि आपने गलती से क्या ले लिया बेटा, क्या पी डी सी ए सी ओ थ्री ले लिया, पी डी सी ए सी ओ थ्री ले लिया, तो ये कौन होता है आपका बेटा, लिंडलार होता है, कौन होता है, लिंडलार कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यदि हाँ जी क्या ले लें, बी एस ओ फोर की जगह क्या ले लें आप, सी ए सी ओ थ्री ले लें, तो इसको किस नाम से जानेंगे, लिंडलार कैटालिस्ट नाम से इसको जानने वाले हैं, ओके तो ये ध्यान रखेंगे। फिर हाँ जी इसकी प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में चेंज होगा, तो एसिडिक हाँ जी जो आपका एसिड क्लोराइड है, हाँ जी आप उसको उबलती हुई जाइलिन पे इनकी प्रेजेंस में प्रवाहित करते हैं, तो एल्डिहाइड से किसका, ये एसिड क्लोराइड से किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। फिर हाँ जी नेक्स्ट हमने कहा जो पी डी यहाँ पे क्या होता है, प्रबल क्या होता है, अपचायक होता है। फिर यहाँ पे हमने बी एस ओ फोर क्यों मिला दिया, क्योंकि ये इनहिबिटर्स का काम करता है, अर्थात ये पीडी की अपचायक क्षमता को कम करता है। यदि यहाँ पे पीडी की अपचायक क्षमता को कम नहीं करता तो एसिड क्लोराइड किस में चेंज हो जाता, एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, एल्डिहाइड कीटोन की जगह कर सकते हैं। तो ये हो गया अपनी कौन सी रिएक्शन, ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो देख लीजिएगा इस रिएक्शन को आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो देखिएगा यदि आप एसिड क्लोराइड को उबलती हुई जाइलिन पर, यदि आप एसिड क्लोराइड को उबलती हुई जाइलिन पर हाँ जी क्या करेंगे, प्रवाहित करने वाले हैं, तो देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा आपने बेटा, आर सी डबल वन ओ, और क्या लिखूँ मैं, एच लिखूँ, ओके। अब इसका क्या करना है बेटा, रिडक्शन करना है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन ही काम में आने वाले हैं, क्या ले रहे हैं बेटा आप, यहाँ पे पी डी बी ए एस ओ फोर, ओके, उबलती हुई जाइलिन, बॉइलिंग क्या ले रहे हैं, बॉइलिंग जाइलिन, हाँ जी उबलती हुई जाइलिन ले रहे हैं बेटा, उबलती हुई क्या ले रहे हैं आप, जाइलिन सी एस थ्री, और क्या लिखूँ मैं, सी एस थ्री, ये कौन आपकी उबलती हुई जाइलिन है। तो जब आप पे हाँ जी यहाँ पे कौन है बेटा, एसिड क्लोराइड बेटा, कौन है, एसिड क्लोराइड है, ये आप याद रखेंगे। तो ये कौन आपका, एल्केनोइल क्लोराइड का क्या करें आप, रिडक्शन कर रहे हैं इनकी प्रेजेंस में। तो बेटा देखो किस प्रकार से करने हैं आपको रिएक्शन, दो हाइड्रोजन काम में आएंगे बेटा, तो एक तो बाहर क्या हो जाएगा आपका, एच सी एल, ओके हाँ जी नेक्स्ट देखिएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका, हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिएक्शन जो हमने है हाँ जी बिल्कुल आसान तरीके से समझाई थी, क्या थी, यहाँ से बोन तोड़े बेटा, लो साहब एक एच इधर दे दो बेटा, एक एच इधर दे दो, तो क्या बन गया आपका, हाँ जी एसिड क्लोराइड से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, तो क्या लिखूँ मैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और बाहर क्या हो गया बेटा आपका, एच सी एल, ये कौन आपका, एल्डिहाइड है, ये कौन हो जाएगा आपका, एल्डिहाइड हो जाएगा, कर सकते हैं। और ये कौन था आपका, एल्केनोइल, एल्केनोइल क्लोराइड, क्लोराइड कर सकते हैं, हाँ जी इस प्रकार से ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी अपनी, रोजेन मुंड रिएक्शन कहलाएगी, कर सकते हैं, हाँ जी। अब यहाँ पे कुछ मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, आपको कंप्लीट करनी है कि किसका फॉर्मेशन होगा, ओके तो देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी यहाँ पे कुछ हम रिएक्शन लिख रहे हैं, और
उन रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना बेटा। देखिएगा नंबर एक लिख रहे हैं हम यूं CH3 और क्या लिखूँ मैं सी डबल बॉन्ड ओ बेटा यहाँ पे क्या जाएगा Cl। हाँ जी क्या ले रहे हैं आप दो हाइड्रोजन ले रहे हैं। प्रेजेंसी में क्या ले रहे हैं बेटा आप PD BaSO4 ले रहे हैं ओके। हाँ जी और यहाँ पे क्या है बॉइलिंग जाइलिन है। कौन है बॉइलिंग जाइलिन है। हाँ जी फॉर्मूला यूँ लिख सकते हैं आप क्या लिखेंगे CH3 और क्या लिखूँ मैं CH3 लिख सकता हूँ। ये कौन आपका हाँ जी उबलती हुई जाइलिन है। एक रिएक्शन नंबर दो देखिएगा बेटा किस प्रकार से करनी है आप क्या लिख सकते हैं CH3CH2 सी डबल बॉन्ड ओ Cl। हाँ जी ये एथेनॉइल क्लोराइड था ये कौन आपका प्रोपेनॉइल क्लोराइड। सेम रिएक्शन करनी है आपको इसमें भी रिएक्शन करना है कंडीशन बेटा यही चलेगी ऊपर वाली ओके। हाँ जी नेक्स्ट देखिएगा बेटा तीसरी रिएक्शन किस प्रकार से आप करने वाले हैं। हाँ जी आप ले सकते हैं बेटा बेंजोइल क्लोराइड। क्या ले रहे हैं आप बेंजोइल क्लोराइड ले रहे हैं तो देखते हैं आप किसका फॉर्मेशन करते हैं ठीक है। कंडीशन बेटा सेम चल रही है ओके। फिर नेक्स्ट देखिएगा आज नंबर चार मैं कुछ यूँ लिख दूँ बेटा ऐसे हाँ जी और यहाँ पे क्या जोड़ दिया सी डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ गया Cl आ गया बेटा और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप दो हाइड्रोजन लिखते हैं। हाँ जी कंडीशन सेम चल रही है तो ये रिएक्शन बेटा आपने कंप्लीट कर ली होगी ठीक है। पहचानना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। यदि आप पे कोई भी एल्केनोइल क्लोराइड की रिएक्शन हाँ जी इनकी प्रेजेंसी में करवा रहे हैं ठीक है तो रिडक्शन होने वाला है और किसका फॉर्मेशन होगा ओनली फॉर एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होगा। यही आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी रोजेन मुंड रिएक्शन कहलाएगी। तो किस प्रकार से कर सकते हैं जब आप हाँ जी एल्केनोइल क्लोराइड और ये आपका कौन है ये कौन आपका एथेनोइल क्लोराइड है एसिड क्लोराइड है एसिटिल क्लोराइड है या एसिड क्लोराइड बोल सकते हैं। जब आप एसिटिल क्लोराइड को उबलती हुई जाइलिन पर जब आप एसिड क्लोराइड को उबलती हुई जाइलिन पर हाँ जी PDBSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यही कौन सी रिएक्शन कहलाएगी आपकी रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कर सकते हैं ठीक है तो नाम लिख लीजिए बेटा इसका क्या नाम है। हाँ जी इसका नाम है इथेनोइल क्लोराइड ओके। हाँ जी और ये कौन आपका प्रोपेनोइल क्लोराइड ओके। हाँ जी और इसको क्या लिखेंगे बेंजोइल क्लोराइड और इसको क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 पेंटेनोइल क्लोराइड ठीक है। हाँ जी अब इनका आपको रिडक्शन करना है उबलती हुई जाइलिन पे क्या करना है आपको प्रवाहित करना है ठीक है। तो देखें बेटा क्या होगा हाँ जी एक हाइड्रोजन किसके साथ निकल जाएगा क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा खुद देख लीजिएगा इसको उठा दूँ और किसको जोड़ दूँ बेटा हाइड्रोजन को जोड़ दूँ क्लोरीन को उठाकर हाइड्रोजन को जोड़ दूँ तो किसका फॉर्मेशन होगा CH3 क्या लिखूँ सी डबल बॉन्ड ओ और क्या जाएगा आपका H कौन आ जाएगा H और बाहर क्या हो जाएगा बेटा आपका HCl और HCl तो सब में ही बाहर होने वाला है ठीक है। तो किसका परमिशन हो गया एसिटिलाइड का परमिशन हो गया। अब इसमें भी क्या बनेगा बेटा लिख सकते हैं आप क्या CH3CH2 और क्या लिखूँ मैं CHO लिखूँ। हाँ जी प्रोपेनेल का परमिशन हो गया है बाहर क्या हो जाएगा आपका बेटा HCl हो जाएगा। अब देखिएगा हाँ जी इससे बेंजाइलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ जी HCl बाहर एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो क्या लिखूंगा मैं यूँ लिखूंगा हाँ जी CHO बेंजाइलाइड का फॉर्मेशन हो गया है। हाँ जी फिर नेक्स्ट बात इसके करें तो इसको क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे यूँ कार्बन है नीचे कार्बन है बेटा ऊपर कार्बन है और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच। हाँ जी और बाहर क्या हो रहा है बेटा इनमें सब में HCl बाहर हो रहा है HCl कर सकते हैं। तो इसका नाम देख लीजिएगा क्या नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटेल बन जाएगा क्या बन जाएगा अपना पेंटेनिल बन जाएगा। ये अपनी कौन सी रिएक्शन बेटा हाँ जी रोजेन मुंड रिएक्शन हो चुकी है। सारी जितनी इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं वो आपको सारी बता दी है ठीक है। कहेंगे किसे ये भी आपको बता दिया है यदि आप हाँ जी एसिटिल क्लोराइड या एल्केनोइल क्लोराइड को उबलती हुई जाइलिन पर हाँ जी इनकी उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं तो हाँ जी किसका फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है ओनली फॉर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। हाँ जी क्या कहलाएंगे आपकी रोजेन मुंड रिएक्शन कहलाएगी। अब यदि देखिएगा बेटा यदि आप BaSO4 को नहीं ले यदि PD के साथ में BaSO4 को नहीं ले बेटा क्या काम ने यदि आपने PD के साथ में BaSO4 नहीं ले
तो बेटा किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। हाँ जी, यहाँ से एसिल बार एक अर्ध यहाँ से टूटेगा और यहाँ से बुन टूटे तो यहाँ पे क्या बना दो एच और एक एच इधर, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। पता चल गया होगा कैसे, देखिएगा बेटा यू लिखा हमने क्या सी एस थ्री, फिर क्या लिखो सी डबल बॉन्ड ओ और सी एल, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन काम में आ जाएंगे, यदि ओनली फोर हम क्या ले रहे हैं पी डी ले रहे हैं, बी एस ओ फोर नहीं ले रहे हैं, तो देखो यहाँ से बोन तोड़ा बेटा एच और इधर क्या आ गया एच, ओके यहाँ से बोन तोड़ो बेटा एक एच इधर, बेटा एक एच इधर, तो क्या बन गया आपका सी एस थ्री सी एच टू ओ एच, तो किसका परमिशन था एल्कोहल का, क्योंकि ये क्या है प्रबलब चायक है, कितने हाइड्रोजन दे सकता है बेटा चार हाइड्रोजन दे सकता है, कर सकता है, इसलिए पीडी के साथ में हमेशा क्या मिलाया जाता है आपको बी एस ओ फोर ही मिलेगा, और बी एस ओ फोर क्या करता है बेटा इसकी अपचायक क्षमता को कम करता है, ताकि ओनली फोर एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो, एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में बेटा इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो रिएक्शन आएगी आपकी इटार्ड रिएक्शन है, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड रिएक्शन है, या टोलुइन के द्वारा भी आप एल्डिहाइड या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।